शुक्र ग्रह कितना बड़ा है, शुक्र ग्रह कितना ठंडा है, शुक्र ग्रह का वजन कितना है, शुक्र ग्रह व्यास कितना है या सूर्य से कितना निकटतम है, इन सभी का आपको जवाब इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है उस शुक्र ग्रह कितना बड़ा है आप जानकर चौंक जाएंगे। शुक्र ग्रह, मैं बुध ग्रह की बात नहीं कर रहा, शुक्र ग्रह की बात कर रहा। जी हाँ, पृथ्वी से वह थोड़ा सा जो कि छोटा है। शुक्र ग्रह अगर कहा जाए तो पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। थोड़ा यानी कितना? 100% पृथ्वी है, उसमें से 95% शुक्र है, मतलब मात्र यानी 5% छोटा है जी। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है वह सौर मंडल में कितने स्थान पर आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे सौर मंडल यानी कि सौर मंडल में सूर्य के नज़दीक आने वाला कितने नंबर स्थान पर शुक्र का कहा जाता है। एक नंबर पर बुध होता है, लेकिन दूसरे नंबर पर किसे कहता है? शुक्र। शुक्र ग्रह है जो कि सूर्य के निकटतम स्थान कहे जाते हैं। दूसरा नंबर स्थान जो कि पृथ्वी से भी अंगाई छो, जो शुक्र ग्रह को किन और नामों से जाना जाता है, जिसे अगर कोई व्यक्ति कहता है उन नामों से तो आप जान सकते हैं। आप नहीं अगर जानते रहेंगे तो कैसे कहेंगे कि हाँ यह शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कहता है कि इवनिंग, शाम के समय, इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा शुक्र ग्रह को भी कहा जाता है, क्योंकि आप शाम के समय भी देख सकते हैं और सुबह के समय भी देख सकते हो। जो कि ये शुक्र ग्रह है उस पर कितना तापमान होता है, दिन के समय कितना तापमान होता है और रात के समय कितना तापमान होता है। जैसे कि बुध ग्रह पर मैंने बताया था कि दिन के समय अधिक तापमान और रात्रि के समय बहुत ठंड, इतना ठंड कि आप सह नहीं पाएंगे, वहाँ पर कोई व्यक्ति गल जाएगा। लेकिन शुक्र ग्रह को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दिन का तापमान और रात का तापमान में थोड़ा सा अंतर होता है, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। गाय जो शुक्र ग्रह है उस शुक्र ग्रह के दोस्तों वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में है आप जानकर चौंक जाएंगे। ओ माय गॉड, जी हाँ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य ग्रह पर अगर बात किया जाता है तो वहाँ पर 90 से लेकर 95% तक वहाँ पर शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जिसे कहा जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि बुध ग्रह पर इंसान को रहना नामुमकिन है, लेकिन शुक्र ग्रह पर भी नामुमकिन है। लेकिन क्यों नामुमकिन है, वहाँ पर इंसान क्यों नहीं बच सकता है, उसके पीछे क्या राज है? जी हाँ, सूर्य ग्रह के पास मैग्नेटोस्फीयर नहीं होने के कारण वहाँ पर सूर्य से जो भी रेडिएशन, खराब रेडिएशन निकलता है वह सीधा सूर्य ग्रह पर पड़ता है, जिसके कारण कोई भी अगर इंसान, जीव जंतु है उसे तुरंत ही जलाकर नष्ट कर देगा। इसी के कारण शुक्र ग्रह पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। जैसे कि कहा जाता है कि बुध ग्रह पर इंसान को रहना वहाँ पर नामुमकिन है, वह नहीं रह सकता है, क्योंकि अधिक ताप और अधिक गर्म है। लेकिन शुक्र ग्रह पर क्या आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं? जैसे कि मंगल ग्रह पर कहा जा रहा है कि आदमी को वहाँ पर बसाने का फूल प्रक्रिया भी चल रहा है, उसी प्रकार से क्या शुक्र ग्रह पर बसाया जाएगा? ऐसा नहीं, शुक्र ग्रह पर यानी कि इंसान को बसना नामुमकिन है, वहाँ पर इंसान नहीं बस सकता है। ऐसा दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि शुक्र ग्रह सूर्य से दूर है, लेकिन कितना दूर है? जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि बुध ग्रह है वह सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसी प्रकार जो शुक्र ग्रह है वह शुक्र ग्रह सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर वह दूर है, यानी कि सूर्य से। जैसे कि कहा जाता है कि शुक्र ग्रह कोई ना कोई रिलेशनशिप है, जैसे कोई होता है भाई बहन, इसी प्रकार माता पिता, चाचा चाची रिलेशन होता है। लेकिन जो शुक्र ग्रह का है उसका भी कोई रिलेशन है? आप लोग कहेंगे ओ माय गॉड, यह का सवाल हो गया कि जो कि ग्रह में रिलेशन होने लगा। जी हाँ, शुक्र ग्रह का यानी कहा जाता है कि पृथ्वी का बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऐसा ही बेटे, जैसे कि कहा जाता है कि पृथ्वी है और सूर्य का परिक्रमा 365 या 366 दिन में पूर्ण करती है, लेकिन नज़दीक जो शुक्र है उसको कम दिन लगेगा या अधिक दिन? लिख सकते हैं चार्ट सेक्शन में, लेकिन उसे कम दिन लगेगा। लेकिन कितने दिन में मात्र वह पूरा कर देते हैं? जी हाँ, वहाँ 225 यानी कि मात्र 225 दिन में ही वहाँ सूर्य का परिक्रमा पूर्ण रूप से कर देती है। लेकिन जो पृथ्वी है, इतना बड़ा पृथ्वी वर्ल्ड, विश्व में अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं और कितने व्यक्ति मरते हैं,
एक दिन के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो लगभग 2 लाख व्यक्ति जन्म ले लेते हैं, लेकिन मरते कितने हैं? 1 सेकंड के अंतर्गत 2 व्यक्ति को मर ही जाना है। यह फैक्ट है, यह प्राकृतिक है। ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए नए वीडियो प्रतिदिन पाने के लिए।